हो गया। चलो भाई, पे बैक पीरियड। अच्छा, पे बैक पीरियड के बारे में मैं एक सिंपल, मैं देखो एक बात बताऊं तुम्हें, पे बैक पीरियड होता क्या है कि पे बैक पीरियड का मतलब है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की वो कितने अरसे में आपकी रिकवर हो जाएगी, समझे? आपने जो पैसा लगाया वापस मिलने में आपको कितना टाइम मिलेगा प्रोजेक्ट से, ये कहलाता है पे बैक पीरियड। ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इसके साथ एक होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, अब देखो पे बैक पीरियड किस तरह से होता है। मैं, ये ईयर जीरो है। ईयर जीरो का मतलब क्या, मैंने बताया तुम्हें क्या मतलब है? करंट करंट ईयर ईयर। करंट ईयर नहीं, करंट ईयर नहीं, अभी आज, आज की तारीख पे, यानी कि अभी जैसे हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो नाउ, जीरो का मतलब है नाउ, अभी इस वक्त, आज। ठीक है, समझ गए? आज की तारीख पे, ये बात आई समझ में? बात से यस सर। जीरो का मतलब है कि नाउ, इस वक्त, अभी, आज, आज की तारीख पे। ठीक है, हमने लगाए $2,000। लेट सपोज पहले साल में हमें मिलेंगे 600, दूसरे साल में मिलेंगे 600, तीसरे साल में 600, और चौथे साल में भी 600 मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे ये हमारे कैश फ्लोज हैं। ठीक है, 600 600 600। अच्छा, अब इसका ना पे बैक पीरियड देखो, पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये मैंने आउटफ्लो क्यों लिया, ये इसमें मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, बताओ? ये हमें मिलने हैं ना, नहीं, 2000 मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है? अब इन पैसों की वैल्यू आज ये है। मतलब नहीं, 2000 के साथ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्या माइनस के ही लगाते हैं ना ब्रैकेट, तो माइनस के लिए, इसका मतलब क्या हुआ माइनस? मेरे पास आज इतने पैसे पड़े हैं और 4 साल में मुझे इतने मिलने हैं। देखो, ये पैसे हम आज की तारीख पे लगाएंगे, ये पैसे हम क्या करेंगे, ये पैसे हम आज की तारीख पे इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि ये पैसे हमारे पास से जाएंगे, आएंगे नहीं बल्कि जाएंगे, ये पैसे हमारे पास से जाएंगे। ठीक है ना, हम लगाएंगे प्रोजेक्ट में 2000, हम लगाएंगे तो 2000 हमारे पास से ये पैसे क्या होंगे, जाएंगे, माइनस होंगे हमारे अकाउंट से, ऐसे ही है। ये कैश यस सर। फ्लो है, ये क्या है, ये कैश आउटफ्लो है। ये आउटफ्लो है, और ये तमाम जो है ना, ये चारों क्या है, ये चारों इनफ्लोज हैं, इनफ्लोज ऑफ कैश है। ये आ रहा है समझ में? ये प्लस में, ये यस प्लस, सर, यस सर। ये प्लस में, ये माइनस में। माइनस का मतलब है कि कैश माइनस हो रहा है, हमारी हमारी जेब से जा रहा है, माइनस हो रहा है हमारे पास। आउटफ्लो है और वो इनफ्लो है। ठीक है, ये आउटफ्लो है। आउटफ्लो क्यों है, क्योंकि ये पैसा हम लगाएंगे प्रोजेक्ट में, अपने पास से लगाएंगे, ये बात आई समझ में? लेकिन ये यस सर, डॉलर है, ये पैसे हमें मिलेंगे प्रोजेक्ट से, इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ, देखो ये इनफ्लोज है हमारे तमाम कैश के, ये हमारे तमाम कैश के इनफ्लोज हैं, ये हमारा आउटफ्लो है, दिस इज एन आउटफ्लो। नाउ आर यू क्लियर अबाउट इट? यस सर। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है कि देखो, $600 ये मिलेंगे, 600, ये 600, 600। अब कितना अरसा लगेगा कि ये पूरा जो है, ये $2000 हमारे पूरे रिकवर हो जाएंगे? देखो, पहले साल में 600 मिले, दूसरे साल में 600 मिले। अब इसको यहाँ पे लिख लो क्यूमुलेटिव, टोटल क्यूमुलेटिव। सर ये वही वाला है जो एंड के अमाउंट का हाफ करके निकालते हैं, वो फिर साल बताते हैं कितने साल में मिल जाएंगे। देखो तो, देखो तो, बस तुम इसको देखो, तुम्हें आ जाएगा समझ में। देखो, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब टोटल आउटफ्लो। पहले साल में तो टोटल आउट नहीं, आउटफ्लो नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव लिख लो इसको, क्यूमुलेटिव आउटफ्लो नहीं लिखो, इसको लिखो क्यूमुलेटिव
नेट कैश फ्लो क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो यानी कि टोटल नेट कैश फ्लो पहले साल में जो हुआ हमारा पहले ईयर जीरो पे हो जाएगा 2000 नेट कैश, ठीक है। फिर देखो 2000 तो चले गए हमारे पास से, अब इसमें से 600 हमें मिल गए तो नेट कैश फ्लो कितना हो गया, आउटफ्लो 1400 हो जाएगा। फिर इसमें 600 और ऐड हो जाएगा तो ये 800 माइनस हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये 200 माइनस हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आखिर में 400, समझे। तो देखो 2000 थे, 2000 हमने लगाए शुरू में, 2000 हमने, वी पुट 2000 इनटू द प्रोजेक्ट, वी गॉट 600 आउट ऑफ इट, अगेन वी गॉट 600 आउट ऑफ इट, वी गॉट 600 आउट ऑफ इट, इवेंचुअली ऑल द 2000 हैव बीन रिटर्न्ड इन द ईयर 4, ठीक है। चौथे साल में ये पूरे 2000 जो हमने लगाए थे, ये 2000 में से ये तमाम हमें मिल गए। पहले हमने 2000 लगाए, पहले पहले साल में 600 मिले, फिर दूसरे में 600 मिले, तीसरे में 600, फिर चौथे साल में पूरे हमें 600 करके पूरा ये पे बैक हो गया इसका। ये बात आई समझ में, यस सर, ये आ रहा है समझ में, ये जो मैंने नेट कैश, यस सर, यस सर, जी ये आ रहा है समझ में। जी सर, हमें 600 मिले, 2000 में से 600 मिले, अब कितने रह गए, जो हमने 2000 लगाए थे उसमें से 1400 रह गए। फिर हमें 600 मिले, अब कितने रह गए, बाकी 800 रह गए। फिर हमें 600 मिले, अब कितने रह गए, 200 रह गए। फिर हमें 600 मिल गए तो ये पॉजिटिव हो गया 400, ठीक है। ये बात प्रॉफिट हो गया 400, है, एक तरह से प्रॉफिट हो गया ना 400। प्रॉफिट नहीं हो गया, प्रॉफिट नहीं हो गया ये, यानी कि पे बैक हो गया कैश फ्लो का, प्रॉफिट इज ठीक, डिफरेंट। प्रॉफिट अच्छा एक बात याद रखना कि कैश फ्लो और प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क है। नेवर कंफ्यूज नेट कैश फ्लो और कैश फ्लो विद द प्रॉफिट। प्रॉफिट में और कैश फ्लो में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ठीक है सर, कभी भी कैश फ्लो को प्रॉफिट से कंफ्यूज नहीं करना। इज दिस क्लियर। यस सर, ये हो गया पूरा टोटल, ये तमाम हो गया टोटल, ये पूरा टोटल कैश फ्लो हो गया, ठीक है। ये टोटल पूरा एक कैश फ्लो बन गया हमारे पास, ठीक है। ये पूरा एक जो है वो टोटल एक कैश फ्लो एक बन गया हमारे पास, ठीक है। 600 600 करके ये पूरा हमारे पास एक नेट कैश फ्लो हमारा बन गया, यानी कि ये पूरा हमारा ना पे बैक हो गया 400, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। इज दिस क्लियर, ये आएगी बात समझ में। यस सर, यस सर, ठीक अच्छा। अब पे बैक पीरियड, अब देखो जैसे नाम से ही जाहिर है, पे बैक पीरियड, इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड का नाम क्या है, पे बैक पीरियड। यानी कि पीरियड, पीरियड से मुराद है कि टाइम, पीरियड से मुराद है टाइम इट टेक्स टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टाइम इट टेक्स टू कवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये बात आई समझ में, टू यस सर, यस सर, रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पे बैक पीरियड का मतलब ही यही है, टाइम टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब ये है ना, देखो अब यहां से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना टाइम लगा इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने में। जैसे तुमने 2000 लगाए थे तो कितना टाइम लगा, बताओ। 4 साल सर, हाँ बताओ कितना टाइम लगा, बता दो पे बैक पीरियड इसका। 4 इयर्स, 4 इयर्स नहीं, 3 to 4 इयर्स, इसको लिखो बिटवीन
एंड 4 ईयर्स, दिस इज द पे बैक पीरियड बिटवीन 3 एंड 4 ईयर्स। 3 से 4 साल लगे इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने में, पे बैक में। ये बात आई समझ में? हाँ यस सर, ठीक है, बिटवीन 3 एंड 4 ईयर्स, 3 से 4 साल लगे जो पैसा हमने लगाया था शुरू में, जो पैसा हमने लगाया था शुरू में, इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगा? इसको रिकवर होने में टोटल पूरे 3 से 4 साल। 3 टू 4 ईयर्स। ये 3 टू 4 ईयर्स कहलाए, क्या कहलाएगा इसका? पेवे पीरियड पे बैक पीरियड, ठीक है, ये कहलाएगा इसका पे बैक पीरियड। अच्छा अब देखो, एक सवाल है, नाउ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉलोड बाय कांस्टेंट एनुअल रिटर्न्स, यानी कि एनुअल रिटर्न सेम है। एक प्रोजेक्ट है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, इसका जो एनुअल रिटर्न है वो क्या है? वो सेम है हर साल में। पे बैक पीरियड कितना होगा बताएं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी आपके सामने मैंने पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया, 2 मिनट लो, इसको सोचो और मुझे इसका जवाब बताओ। चलो बी सर, बी या डी में से कोई एक लग रहा है। अरे एक जवाब बताया करो, बात से सही बताओ मुझे। अभी बी तो बी मैं वो पढ़ाया यही चीज, सेम मैंने जो एग्जाम्पल बनाई थी ना, वो मैंने इस सवाल पे बनाई थी। बी सर, बताओ क्या है? बी 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 इज द करेक्ट आंसर। सही है। देखो अब जैसे तुम मेरी सवाल वाली एग्जाम्पल को ही ले लो, जो मैंने सवाल बनाया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी सवाल में? 2000 एनुअल नेट कैश फ्लो, हाउ मच वॉज द एनुअल नेट छह कैश? सौ छह सौ डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3.333, ठीक है, ये आएगा। इज दिस क्लियर? यस सर, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है चलो, नाउ लुक एट दिस, दीज आर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ठीक है। एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच? 10% पर एनम। वॉट इज द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट? डिस्काउंट रेट है हमारा, देखो इसने क्या किया है, इसने नेट प्रेजेंट वैल्यूज दे दी है, कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज दे दी है। ये बोल रहा है कि रिक्वायर्ड रिटर्न है 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब आप बताएं कि इसका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होगा? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ना यही होगा, यानी जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया था ना, ये क्या कहते हैं, जिस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया था ना अभी तुम्हारे सामने, ये
डिस्काउंटेड पे बैक यही होगा, बस उसमें फर्क ये होगा कि उसके अंदर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे, इसमें हमने नेट कैश फ्लोज लिए थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी, प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है। अच्छा अब ये बोल, ठीक है। रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, 10% है, तो 10% पे जो कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं वो ले लें आप, क्या ले लें, जो प्रेजेंट वैल्यू हाँ जो उसकी वैल्यूज परसेंट हैं। देखो तो यानी कि 10%, 10% है रिक्वायर्ड रिटर्न, तो हमारे लिए ये रेलेवेंट होगा, ये दोनों हमारे लिए इररेलेवेंट हो पे जाए। इरेलेवेंट हो जाएगा। पहले साल में हमने लगाए $90, ठीक है, फिर 27.3, ठीक है, 90 माइनस 90 प्लस 27.3, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी गेट द कैलकुलेटर ऑन द स्क्रीन। यस, देखो दिस इज -90 प्लस 27.3 विल बिकम हाउ मच, 62.7। ठीक है, तो ठीक है। पहले साल में जो क्यूमुलेटिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जब 62.7 9.3 हमें मिल गया, रह कितना गया, मजीद इसमें क्या ऐड होगा, 24.8, तो थर्टी इट सेवन पॉइंट नाइन 37.9। थर्टीन पॉइंट फोर प्लस 22.5, अब रह जाएगा 15.4। ठीक है, और ये यहां पे जाके ये पूरा रिकवर हो जाएगा, 5.6 बचेगा नीचे 4.6 सॉरी 5.1। ठीक है, यानी कि ये कौन से साल में जाके ये हो जाएगा, कौन से साल में पॉजिटिव हो रहा है, ये चौथे चौथे साल में। साल में, यानी कि 3 साल के बाद चौथे साल में। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा क्यूमुलेटिव, तो चौथे साल में जाके इस साल में पे बैक हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका जवाब, बिटवीन 3 इयर्स, 3 इयर्स एंड 4 इयर्स, ये इसका यस जवाब। सर। ठीक है, देखो ना ये यहाँ पे देखो कि तीसरे साल के बाद लेकिन चौथा साल पूरा होने से पहले, समझ में आई बात, यस सर। तीसरे साल के बाद चौथा साल होने से पूरे, यानी कि चौथे साल के एंड तक, चौथा साल जब तक खत्म होगा पैसे मिल चुके होंगे। ठीक है, यानी कि 3 साल के बाद 4 साल से पहले, क्योंकि अब देखो कैश फ्लो है, कैश फ्लो तो पूरे साल होगा कंपनी का, ऐसे ही है ना, पूरे साल पैसे आएंगे, यस साल सर। यस सर जी। पैसे आएंगे, पूरे साल पैसे जाएंगे, तो तीसरे और चौथे साल के दरमियान कहीं पे बैक हो जाएगा। ठीक है, ये बात आई समझ में, यस सर। अच्छा अब हम करते हैं, काउंटेड एट द नेट कैश इनफ्लोस,
हाँ ये एक सेकंड रुकिएगा सर, एक सेकंड। हाँ ठीक है सर। हाँ चलो ये देखो, ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल ठीक है, ये वाला सवाल कराता हूँ। देखो इसमें ना वो बोल रहा है कि नेट कैश इनफ्लोस फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 18,000 पर एनम फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। द क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर फॉर 5 ईयर्स इज हाउ मच, 10% इज 3.79। ये क्या है, ये इसने एनुइटी फैक्टर दे दिया है, ये क्या एनुइटी फैक्टर दिया है इसने। हाँ इसने दे दिया है, ठीक है। अच्छा अब अभी ना देखो, अभी तुम क्या करो, इसने नेट प्रेजेंट वैल्यू भी दे दी है। वो बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के शुरू में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई होगी। कहने का मकसद ये है, अगर तुम इस सवाल को जरा एनालाइज करो। अच्छा यहाँ पे जो थी, ये जो 2000 थी इस वाली एग्जाम्पल में, ये 2000 इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। ईयर जीरो पे जो इन्वेस्टमेंट थी ये क्या थी, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, जी, ये कहलाती है प्रोजेक्ट की ठीक है। वो बोल रहा है ठीक है, नेट कैश इनफ्लोस फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर हाउ मच, 18,000 डॉलर्स, यानी कि हर साल जो कैश इनफ्लो होगा वो 18,000 डॉलर का होगा। इज दिस क्लियर। यस सर। और जो डिस्काउंट फैक्टर है, एनुइटी फैक्टर है, वो कितना है, 3.791। समझ में आई बात। जी, देखो तो जब हम ये डिस्काउंट फैक्टर हम यहां अप्लाई करेंगे, यानी कि एनुइटी फैक्टर हम यहां अप्लाई करेंगे इन कैश फ्लोस पे, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो कहां पे आएगी, वो ईयर जीरो पे आएगी। समझ में आई बात। एक साल पीछे हो जाते हैं ना एनुइटी फैक्टर से, कैश जी, वैल्यू याद है। करंट वैल्यू आज की तारीख पे वैल्यू आ जाएगी, नाउ वैल्यू, नाउ इन कैश फ्लोस की वैल्यू। लेकिन अब वो बोल रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू उसने दे दी है, वो बोल रहा है कि
शुरू में हमने शुरू में इन्वेस्टमेंट क्या की है, इन्वेस्टमेंट क्या की है, तो पहले तो देखो इसकी ना वैल्यू निकाल लो तुम, 18,000 की से 238 देखो 68,238 यही आ रही है, सर। 68,000 क्या आ रही है देखो, 238 68,238 ये वैल्यू आ रही है इसकी, 68,238 यस सर। इन कैश फ्लोस की वैल्यू है। अच्छा अब वो बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना वो 7,222 है, एनपीवी कितनी है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में वो इन्वेस्टमेंट भी शामिल है जो इसने यहां पे की होगी, ये बात आई समझ में। नहीं सर, ये बात रिपीट करें। देखो इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, ईयर जीरो पे वो बोल रहे नेट प्रेजेंट वैल्यू 7,222 है, तो देखो ईयर जीरो पे कोई उसने इन्वेस्टमेंट की है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने कुछ, जी, ठीक है वो इन्वेस्टमेंट भी इसमें शामिल है, इस प्रेजेंट बिल्कुल 7,222 में एक इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, इसमें एक जी इन्वेस्ट जी 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 है, ठीक है इसमें एक इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, वो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, जो हम फिल वो होता है ना, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय रिटर्न करेंगे ना। नहीं ये एनपीवी का सवाल है, ये एनपीवी का सवाल है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है, ये पे बैक पीरियड का सवाल नहीं है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालनी है। देखो अभी देखो तुम्हारे सामने मैंने किया था कि भाई ईयर जीरो पे, ये नहीं आ रहा समझ में, मुश्किल लग रहा है हाँ सर, यहाँ थोड़ा फंस रहा हूँ। आप करें, आप करते जाए, मैं समझ जान फंसूंगा, आपको बता दूंगा। इन तमाम कैश फ्लोस को, इन तमाम कैश फ्लोस की जब हमने ईयर जीरो पे प्रेजेंट वैल्यू निकाली ना, जब हमने ईयर जीरो पे प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो ये आई 68,238 इन तमाम कैश फ्लोस की, ईयर वन से ईयर फाइव तक, ये बात आई समझ में, जी सर, आ गई बात समझ में, ठीक जी। है। अच्छा अब जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो शामिल होगी, वो बोल रहे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना 7,222 है, नेट प्रेजेंट यानी कि तमाम जितने भी कैश फ्लोज हुए हैं ना, जितने भी कैश फ्लोज हुए प्रोजेक्ट में, उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू, जो नेट प्रेजेंट टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है 7,222। अच्छा अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो इसने इन्वेस्टमेंट की है प्रोजेक्ट में, ईयर जीरो पे जो इन्वेस्टमेंट की है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो आप निकालो, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आउटफ्लो होता है या इनफ्लो होता है बताओ, आउटफ्लो आउटफ्लो यानी कि यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा होगा, ईयर जीरो पे कुछ माइनस हुआ होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं ना प्रोजेक्ट में, यस सर। जी नहीं नहीं आया ये समझ में, नहीं आ रहा तुम्हारे जी है, आ गई वाली बात, आ गई समझ वाली बात। अब निकालेंगे कैसे इनिशियल जो अमाउंट है उसके साथ करेंगे, 68,000 के थ्रू निकालेंगे ना। नहीं नहीं देखो डिवाइड शिवाइड नहीं करेंगे इसमें कुछ, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है भाई ईयर जीरो है ये, ठीक है ईयर जीरो पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, एक आउटफ्लो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हमें निकालना है,
ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज हम निकाल चुके हैं फ्रॉम ईयर 1 to 5। कितनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज बताओ? 7,222 नहीं, 68, वो 68 निकाली थी ना, हाँ 68,230 68 238। पर कैश फ्लोज है ना, ये बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, वो बोल रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी बताओ? 7,222 7,222 होगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब बताओ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई होगी, बता सकते हो? सोचो। 68 माइनस 722 8,238 को माइनस करेंगे 7,222 से, तो इनिशियल आ जाएगी ना, अगर ऊपर उल्टा जाएंगे तो। नहीं, हाँ, माइनस करेंगे। सही सही, माइनस करेंगे क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो नेगेटिव कैश फ्लो है ना। ठीक है, हाँ माइनस करो इसको, माइनस 61016 दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ये बात आई समझ में? सर, या मुश्किल लग रहा है ये? पर तो मुश्किल है, आ गया, समझ आ गया। अच्छा चलो, सर मैं कह रहा था कल कल आना है ना, वैसे आपने तो हाँ मैं कह रहा था कल की जगह अगर परसों रख लें, कल मेरी बर्थडे है असल में। चलो परसों फिर ऐसा करो कि परसों मेरे ख्याल से आखिरी दिन होगा ना इंशाल्लाह, संडे को बैठ जाऊंगा ना मैं एतिकाफ में इंशाल्लाह। परसों मैं ऑनलाइन कर लूँ, क्या ख्याल है? मैं कंप्लीट एक विजिट कर ले, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्या ख्याल है ये वाला चैप्टर? अच्छा चले ठीक है। मैं आपको मम्मी से पूछ के बता दूंगा। अरे यार, तुम्हारी अम्मी फिर नाराज होंगी, बोलेंगी कि नहीं। चलो मैं आ जाऊंगा परसों, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, हाँ एक ही दिन तो है ना, फिर तो आपकी छुट्टी हो जाएगी 9 दिन की। हाँ फिर तो छुट्टी हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है, हाँ सही है। चलो ये एक हम कर रहे थे। हाँ अब देखो, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट हैज बीन डिस्काउंटेड एट रेट्स ऑफ, हाँ ये देखो, क्वेश्चन नंबर 301। अच्छा सवाल है, इसको जरा सोचो। इसको सोचो, पहला वाला करेक्ट है सर, ट्रू है पहला वाला। पे बैक पीरियड एट 10%, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एट 10% विल बी लॉन्गर देन द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एट 20%। देखो मैंने तुम्हें एनपीवी में बताया था, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का ताल्लुक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यूज से, हम निकालते हैं ना प्रेजेंट वैल्यूज से। ठीक है, जी तो जी था डिस्काउंट रेट, ये रेट जितना ज्यादा होगा उतना जो, उतना टाइम शॉर्ट होगा। नहीं, देखो जितना रेट ज्यादा होगा उतना प्रेजेंट वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। क्या
कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो जब प्रेजेंट वैल्यू कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा पे बैक में या कम टाइम लगेगा बताओ? फिर अगर मेरे ज्यादा होगी तो पे बैक पीरियड में कम टाइम लगेगा ना। नहीं ना देखो, अगर प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, अगर प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई तो पे बैक पीरियड में ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? कम होगी तो पे बैक में ज्यादा टाइम लगेगा ना। पे बैक में ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं ना, द डिस्काउंटेड पे बैक विल बी लॉन्गर, लॉन्गर यानी कि लंबा होगा। पे बैक पीरियड एट 10% विल बी लॉन्गर देन द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एट 20%। हाँ सही सही सही। देखो 10% भी क्या है, वो बोल रहा है कि 10% भी क्या, 10% भी होगा ज्यादा। मेरे ख्याल से तो 10% भी कम होगा, क्योंकि 10% पे प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी कैश फ्लो की। है अगर जो है टेन, एनुअटी टेबल के मुताबिक नहीं, एनुइटी टेबल नहीं, वैसे सोचो ना कि भाई 10% कैश फ्लो, अगर हम 10% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालें, कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू 10% पे निकालें, तो 10% पे प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी या 20% पे ज्यादा आएगी? बस तुम ये बताओ, 10% बता आएगी। 10% पे ज्यादा आएगी, तो 10% पे ज्यादा आएगी तो जल्दी रिकवर होगा 10% पे या 20% पे जल्दी रिकवर होगा? 10% पे 10% पे जल्दी रिकवर होगा। तो यहाँ पे बोल रहे 10% विल बी लॉन्गर, एट 10% विल बी लॉन्गर, तो ये स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, गलत या सही? गलत गलत बिल्कुल इसी तरह इसको भी सोचो, डिस्काउंटेड पे बैक सही पीरियड, होगी ना, उसका वाइस वर्सा ही है। ये क्या, ये सही होगी या ये गलत होगी स्टेटमेंट? क्योंकि सही होगी ना, सही हो, उसका ट्वेंटी वाइस वर्सा ना पहली वाली का। परसेंट पे प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो की क्या हो जाएगी बताओ? ज्यादा हैं 20% पे प्रेजेंट वैल्यू बताओ, 20% पे क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी, कम होगी, कम होगी। पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड लंबा होगा इसका। बिल्कुल इसी तरह नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नॉन डिस्काउंटेड बोल रहा है, तो ये तो नंबर टू तो सही है। नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड विल बी लॉन्गर देन द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इज दिस ट्रू बताओ? नॉन डिस्काउंटेड, नहीं सर, डिस्काउंटेड में वैल्यूज हमारे पास छोटी आ जाती है ना, तो डिस्काउंटेड हमारे पास छोटा होता है। हाँ, तो जो डिस्काउंटेड जो है वो कम होता है, नॉन डिस्काउंटेड जो है नॉन ज्यादा होता है। ज्यादा लॉन्गर, तो नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है? यहाँ पे बोल रहे नॉन डिस्काउंटेड, नॉन डिस्काउंटेड में वैल्यूज जो है वो हमारे पास, नहीं, वैल्यू बड़ी होती है, बड़ी होती है ना। नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है वो शॉर्टर होता है, लॉन्गर नहीं होता, कम होता है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड से कम होता है, जी शॉर्ट। जी वही ना। स्टेटमेंट गलत हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड विल बी शॉर्टर, ये सही है, विल बी शॉर्टर देन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ये सही है, क्योंकि नॉन डिस्काउंटेड में कैश फ्लोज की वैल्यू ज्यादा होती है, जो अभी ऊपर बात हुई। तो स्टेटमेंट नंबर टू और फोर जो है ना, ये करेक्ट है, ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, यस सर। अच्छा ठीक है चलो। अच्छा, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2.1% कंपाउंडेड एवरी 3 months राउंडेड टू टू डेसिमल प्लेसेस। इफेक्टिव एनुअल रेट, देखो इफेक्टिव एनुअल रेट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इसके अंदर शायद है, देखो ये रहा। ये इफेक्टिव द नॉन एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, नॉन एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज एनुअल परसेंटेज रेट, विच लेंडर्स सच एज बैंक्स एंड क्रेडिट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच, 1 + r, 1 + r की पावर n, r इज द इफेक्टिव एनुअल रेट, कैपिटल r, ठीक है, आर इज द पीरियड रेट, एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द ईयर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ना तुम याद कर सकते हो इसका, क्या कहते हैं, इफेक्टिव एनुअल रेट का, ठीक है, इफेक्टिव एनुअल रेट का। इसके अंदर अगर तुम 1 को उस तरफ ले जाओ तो ये 1 + r की पावर n - 1 बन जाएगा, ठीक है,
और आर क्या है जो भी पीरियड का रेट है, और एन क्या है नंबर ऑफ पीरियड्स, जितने पीरियड्स हैं ईयर में, पूरे साल में जितने नंबर ऑफ पीरियड्स बनेंगे, ठीक है। इसमें सीधा सीधा तुम्हें फॉर्मूला ही लगाना है, द अफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ 2.1% कंपाउंडेड एवरी 3 months, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एवरी तीन तीन महीने पे कंपाउंडिंग हो रही है, तो साल में कितने उसके पीरियड बनेंगे बताओ, है चार चार बनेंगे साल में कितने, चार मतलब पीरियड बनेंगे हाँ ना, चार, 3 महीने देखो चार बनेंगे साल में कितने बनेंगे इसके, बनेंगे चार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना सीधा सीधा बस इसको ना याद रख लो, ठीक है। और पीरियड रेट इसमें कितना दिया हुआ है, 2.1%। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2.1, अच्छा 2.1% कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ, हाँ 2.1% दिया हुआ, ठीक है। तो रेट हो जाएगा हमारे पास कौन सा, पीरियड रेट हो जाएगा, और 0.021, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे सर, 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस R, 1 प्लस 0.01, ठीक है। तो अब देखो क्या आ रहा है आंसर, देखो 1.021 की पावर 4, ठीक है। पॉइंट 0.08 मल्टीप्लाई बाय, इसको 100 कर दो क्योंकि रेट है, परसेंटेज है, 8.67%, ठीक है। क्या आ रहा है, सही आंसर 8.67। 8.67%, हाँ यही है, 8.67%, ठीक है। क्या आया समझ में, दिस यस सर। क्लियर। इसके अंदर ना सीधा सीधा, इसके अंदर सीधा सीधा तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, इतना कोई मसला नहीं है, अच्छा हाँ। ये जो है ना ये वाला जरा करो, 303, ये वाला ना जरा करो 303, ये जरा सोचो, ये वाला 303 सही है, चलो करो, खुद करो ये।
हेलो। हाँ बात है। देखो अब इसमें ना वो बोल रहा है जो है ना, यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, $100,000 की इन्वेस्टमेंट होगी और हर साल $30,000 मिलेंगे इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। अब डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द मशीन, जो हम मशीन खरीदेंगे यानी जो हम मशीनरी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो मशीनरी हम 5वें साल में $10,000 की बेच देंगे और $15,000 ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं डेवलपमेंट कॉस्ट की शक्ल में। आप बताएं कि पे बैक पीरियड जो है इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, पे बैक पीरियड क्या होगा, इसको खुद सोचो, बहुत आसान है ये। पे बैक पीरियड, मेरे हिसाब से अगर डेवलपमेंट कॉस्ट लेंगे तो इसका आंसर मेरा डी आ रहा है। तुमने डेवलपमेंट कॉस्ट भी इसमें लगा दी है। डेवलपमेंट लगाई, डेवलपमेंट नहीं लगाओ तो सी आ रहा है। क्योंकि वो तो नहीं लगेगी ना, डिस्पोजल वैल्यू तो नहीं लगेगी क्योंकि वो 5 साल बाद, और हमारा पे बैक पीरियड ही 3 साल बाद आ हाँ वो तो 5 साल रहा के बाद है, बहुत देर में है वो तो, ठीक है। है। अगर डेवलपमेंट ना लगाए तो मेरा सी आ रहा है, लगाए तो डी आ रहा है। नहीं दोबारा से करो, कैसे किया तुमने, सीधा सीधा मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था शुरू में जब मैं पढ़ा रहा था पे बैक का। जब देखो जब कांस्टेंट कैश फ्लो, तो पे बैक पीरियड निकालना बहुत ही आसान है। जब कांस्टेंट कैश फ्लो हो तो पे बैक जो है वो, हाँ जब देखो जब कांस्टेंट कैश फ्लो हो तो पे बैक पीरियड निकालना जो है वो बहुत आसान है। कांस्टेंट कैश फ्लो हो, स्क्रीन आ रहा है सही नजर, हाँ जी आ रही है। देखो जब कांस्टेंट कैश फ्लो हो तो बहुत आसान है। सीधा सीधा तुम्हें क्या करना है, 100,000 को डिवाइड करना है इस 30,000 से, तो तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं है। क्या, नहीं डेवलपमेंट कॉस्ट, देखो जब हम कैश फ्लोज लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, डेवलपमेंट कॉस्ट का मसला ये है कि ये एक ना संक कॉस्ट है। ये क्या है, ये एक संक कॉस्ट है। रेलेवेंट कैश फ्लो के लिहाज से देखो तो ये एक ऐसी कॉस्ट है जो हम इनकर कर चुके हैं, ये संक कॉस्ट है, ये पास कॉस्ट है, ठीक है, ऑलरेडी बीन इनकर्ड। तो ये जो है ना, ये 15,000 जो है ना, दिस इज पास कॉस्ट और संक कॉस्ट, तो ये रेलेवेंट कैश फ्लो ना नहीं है, ठीक है सर, ठीक इसको छोड़ देंगे। हम है ठीक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम जो है एनपीवी वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं, पे बैक पीरियड की, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की, आईआरआर की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम रेलेवेंट कैश फ्लोज लेते हैं, ठीक है, क्या है समझ में। है सर। यस सर। सर यहाँ तक फॉलोइंग एंड करें, जाना भी है। बस ये एक आखिरी देख लो, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रेलेवेंट इन कैपिटल इन्वेस्ट डिसीजन मेकिंग यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स ऑफ अप्रेजल, ये बात मैं तुम्हें बता रहा था, बताओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टाइमिंग ऑफ फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और क्या बोल रहे हो तुम, कॉस्ट लास्ट वाला, टाइमिंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, ये दोनों। सही है, गुड आंसर, ठीक है। डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं होता, संक कॉस्ट रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं होती, ठीक है, तो ये दोनों हमारे इरेलेवेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा बासित, अगर मैं जो है ना वो कल तो मैं ऑनलाइन बुला लूँ थोड़ी देर के लिए, चलेगा, सर कल 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 ऑनलाइन थोड़ी देर के लिए। अच्छा ये कम, ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं आपको ना आज रात बता दूंगा, तो फिर हम लोग दोपहर में स्केड्यूल कर लेंगे। चलो ठीक है, दोपहर में ना जैसे हम ज्यादा नहीं 1 घंटा कर लेंगे कल दोपहर को,
ठीक है, ऑनलाइन कर लेंगे, 1 घंटा चलें ठीक है सर, ठीक है चल आ जाऊंगा, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज, ठीक है सर, खुदा हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।